सभी, आई होप आप सभी अच्छी होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स की फर्स्ट बुक, जो की है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, जिसका आज का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद में ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आपकी एक यूनिट इसमें कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि दी बहुत टाइम हो गया एक ही चैप्टर चलते चलते, तो कल ये आज ही आपका कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5 है इसमें टोटल, एक्सरसाइज 4 तक हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आज एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर है। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है मुझे, ये कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आपके उन्हीं प्रोसेस से सोल्व हो जाएंगे जो कि हमने पिछले 4 एक्सरसाइज में प्रोसेस किए हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती हैं जो उन मेथड से सोल्व नहीं हो पाती, तो उनके लिए अदर मेथड का यूज करते हैं। तो जो आज मेथड होगा वो होगा मेथड, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स। कौन सा होगा? मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स। तो इसमें क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, इसे हमें किसी अदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके देन क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। किस टाइप से, जैसे हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें क्वेश्चन सोल्व किए थे ना, IF और PI निकाल करके, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करके, उसी टाइप से वाले क्वेश्चन हमारे सोल्व होंगे क्योंकि इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की, क्लियर है बात। तो सबसे पहले देखो इसमें कोई खास प्रोसेस नहीं है जो आपको लिख करके बताया जाए, डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को आप किसी और मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने बताया हुआ है, तो जरूरी नहीं है आपको इसी मेथड से करना है, जिस मेथड से आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में ऑपरेशनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम ऑपरेशनल फैक्टर्स वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको हमको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, वी कैन राइट, पहले लिख दोगे वी कैन राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको, देखो एक्स है, अगर हम मान लें सपोज दैट कि अगर हम मान लें डी अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, एक्स के है, ठीक है, सॉरी एक्स के नहीं डी के है, कैपिटल डी के है, तो इस कंडीशन में देखना इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस यहाँ पे वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो वाई हम कंप्लीट में से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे टर्म क्या है, एक्स माइनस टू है, डी अपॉन डी एक्स के प्लेस पे कितना आ जाएगा, कैपिटल डी, क्योंकि वाई हम कॉमन लेंगे और टर्म आ जाएगी माइनस टू, और बाहर कॉमन ले रहे हैं, वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया, एक्स क्यूब आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो किस टाइप से, एक्स डी स्क्वायर, एक्स की जब आप डी में मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, एक्स इंटू डी आ जाएगी, माइनस यहां से कितना आ जाएगा टू डी एंड माइनस टू, बाहर कितना चल रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो अब हमें यहां से इसके फैक्टर्स बनाने हैं, देखना इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, xg कॉमन आ रहा है, तो अंदर टर्म क्या बचेगी, d प्लस वन बचेगी, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के टू कॉमन आ रहा है, तो अंदर टर्म क्या बचेगी, d माइनस माइनस प्लस वन बचेगी, क्लियर है, इंटू वाई और इज इक्वल्स टू में कितना आ गया, एक्स क्यूब। यहाँ पे ये टर्म सेम, दोनों टर्म कैसी हो रही है, सेम हो रही है, तो डी प्लस वन, और ये टर्म क्या आ गई, एक्स डी माइनस टू इंटू वाई और इज इक्वल्स टू में एक्स क्यूब, क्लियर है। अब इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या लेट करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें क्या करना है, इनमें से एक टर्म को हम किसके इक्वल मान लेंगे, वी के इक्वल, वाई वाली टर्म के साथ में। तो अगर हम लेट कर लें कि मान लिया ये जो टर्म है डी प्लस वन इंटू वाई, अगर हम इसको वी के इक्वल मान लें, किसको, इस वाले टर्म को, तो इक्वेशन फर्स्ट देखना, डी प्लस वन इंटू वाई के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, वी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे इस टर्म के प्लेस पे वी पुट कर दो, तो आपके पास में टर्म क्या आ जाएगी, एक्स डी माइनस टू इंटू वी इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब आ जाएगा। एक बार पहले इतना नोट करो, यहां से आगे देखिएगा, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो,
v की मल्टीप्लाई जब आप अंदर करोगे तो टर्म हो जाएगी x इंटू ये d किसके इक्वल था, d अपॉन dx के इक्वल था, तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी dv अपॉन dx नहीं हो जाएगी। फिर माइनस ये टर्म थी 2v और इज इक्वल्स टू में कितना चल रहा है एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहां से आगे आ जाओ, इस dv अपॉन dx की मल्टीप्लाई में x है तो कंप्लीट इक्वेशन में क्या करना पड़ता है हमें, x से डिवाइड करना पड़ता है जिससे ये वाली टर्म हमारी अकेली रह जाए। तो dv अपॉन dx माइनस ये टर्म हो जाएगी 2 अपॉन x और इंटू में क्या चल रहा है v इज इक्वल्स टू में, जब इस टर्म को आप x से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो v की मल्टीप्लाई में कितना लिखा हुआ है 2 अपॉन x, इट मींस ये जो हमारी इक्वेशन बनी है कौन सी बन रही है हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बन रही है। तो इस कंडीशन में जो हमारा v का कोफिशियंट होता है ये हमारे पास में किसकी वैल्यू होती है p की, जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं if यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो if आपका किसके इक्वल होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p इंटू dx, p क्या होता है जो v का कोफिशियंट होता है, तो v का कोफिशियंट है माइनस के 2 1 अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में। तो सॉल्व करना इस टर्म को e टू दी पावर माइनस 2 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा log x, ये माइनस 2 x की पावर की फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो e टू दी पावर log x स्क्वायर आ जाएगा वो भी माइनस के, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं x टू दी पावर माइनस 2 यानी कि 1 अपॉन x स्क्वायर। सो if की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 1 अपॉन x स्क्वायर आ गई। सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, द जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इक्वेशन का, v वाली टर्म लेके चल रही थी तो v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू यानी कि इज इक्वल टू से इधर जो टर्म है वो इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एड कर दोगे कितना सी वन। अब यहां से इसको सॉल्व करो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट v इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x आ जाएगा प्लस c1, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो v किसके इक्वल आ गया x क्यूब प्लस c1 x स्क्वायर की इक्वल आ गया। अब v की वैल्यू पुट कर दो जहां पे हमने फ्लैट की थी, तो यहां से आगे देखिएगा v की जगह पे v की वैल्यू पुट कर दो, v को किसके इक्वल माना था हमने d प्लस 1 इंटू y, इसको ही तो v के इक्वल ऐड किया था, तो इसके प्लेस किसकी वैल्यू पुट कर दो इज इक्वल्स टू में टर्म है x क्यूब प्लस c1 एक्स स्क्वायर, y के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो इस d का मतलब क्या है, अगर हम ध्यान से देखें इस d का मतलब क्या है d अपॉन dx है, y की मल्टीप्लाई कर दोगे तो dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू में चल रहा है एक्स क्यूब प्लस c1 एक्स स्क्वायर। ये फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई फर्स्ट ऑर्डर की, यहाँ पे y का कोफिशियंट क्या है 1 है, तो फिर से इसके लिए क्या निकाल लोगे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ की वैल्यू निकालोगे तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 इंटू टी एक्स तो कितना आ जाएगा e टू दी पावर x। सो नाउ जनरल सॉल्यूशन अगर आप देखोगे कितना आ जाएगा y इंटू आई एफ की वैल्यू है e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू में क्या आएगा क्यू जो यहाँ पे टर्म लिखी हुई है यानी कि x क्यूब प्लस c1 x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट एड कर दोगे c2 क्योंकि c1 ऑलरेडी हमने एड किया हुआ है, तो y इंटू ई टू दी पावर x किसके इक्वल आएगा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ई टू दी पावर x इंटू एक्स क्यूब प्लस c1 ई टू दी पावर x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, dx को सेपरेट कर ले इसके अपॉन में हमने मान लिया अलग कर लिया और इसके लिए अलग कर लिया, अपॉन में नहीं अलग मतलब सेपरेट कर लिया, ठीक है इसके साथ में अलग इसके साथ में अलग। अब यहाँ पे देखो ये टू फंक्शंस बन रहे हैं तो दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन आप सभी पे करना आता है, किसके अकॉर्डिंग करते हैं हम आई रेट के अकॉर्डिंग, आई रेट का मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन है कोई नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, अल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कोई नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अल्जेब्रिक नंबर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है तो पहले इसको फर्स्ट फंक्शन ऐड करोगे और एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड फंक्शन ऐड करोगे, तो इसमें फर्स्ट ये सेकंड ये इसमें फर्स्ट ये सेकंड ये, ठीक c1 कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर लिख लेते हैं, c1 कैसा है कांस्टेंट टर्म है। अब यहां से देखो इसको सॉल्व करेंगे y into e to the power x is equals to फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन इंटीग्रेशन
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आ जाएगा 3x² और सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो कितना आ जाएगा e^x और इनटू में कितना आ जाएगा dx प्लस यहां से c1 कांस्टेंट है, यहां से सॉल्व करोगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस साइन इंटीग्रेशन, फर्स्ट का तो क्या करोगे डिफरेंशिएशन कर दोगे और सेकंड का क्या कर दोगे इंटीग्रेशन कर दोगे, कंप्लीट का फिर से इंटीग्रेशन एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 आ जाएगा। यहां से आगे देखिएगा ऊपर एक बार y(e^x) = ये टर्म तो एज इट इज रहेगी x³(e^x) माइनस के 3, इसको सॉल्व करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो माइनस साइन इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का क्या करोगे डिफरेंशिएशन तो कितना आ जाएगा 2x, सेकंड का क्या करोगे इंटीग्रेशन और इनटू में कितना आ जाएगा फिर से इस कंप्लीट का पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक प्लस c1 कांस्टेंट टर्म चल रही है, अंदर वाली टर्म देखो x²(e^x) माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस साइन आएगा और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगी अंदर वाली टर्म 2 × 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, इस बार क्या हो जाएगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे 1, e^x का इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से e^x ही आ जाएगी टर्म और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 तो चल ही रहा है, ठीक है। अब यहां से इसको सॉल्व कर लो y(e^x) = x³(e^x) माइनस के 3 x²(e^x) माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे फिर माइनस आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e^x ही आ जाएगा करने के बाद में, प्लस यहां से टर्म है c1 x² e^x माइनस 2x e^x प्लस 2 × e^x प्लस c2, ठीक। इसको यहां से सॉल्व कर लो तो y(e^x) = x³(e^x) माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3x²(e^x) माइनस माइनस प्लस 3×2 = 6x(e^x) माइनस माइनस प्लस 3×2 = 6e^x, इन कंप्लीट टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा c1, अच्छा मल्टीप्लाई मत करो यहां से देखना, अगर आप e^x कॉमन ले लेते हो तो अंदर कितना बचेगा x² - 2x + 2 बच जाएगा, y(e^x) = अच्छा यहाँ पे भी e^x लिखा हुआ है तो कंप्लीट इक्वेशन में क्या कर दो e^x से डिवाइड कर दो तो आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी x³ - 3x² + 6x - 6 + c1 x² - 2x + 2 + c2, इसके साथ तो e^x नहीं है तो डिवाइड में तो ऊपर जाएगा e^-x की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सो y = x³ वाली तो ओनली यही टर्म है, ठीक है, बट x² वाली एक टर्म हमारे पास में ये रही और एक टर्म हमारे पास में ये रही, तो यहां से अगर हम x² कॉमन ले लें तो देखिएगा जरा इसके पास कितना बचेगा c1 एंड इसका कोफिशियंट कितना है माइनस के 3 आ जाएगा, फिर x वाली टर्म देखो ये 6x है और ये माइनस के 2c1x है तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस के 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं, जब आप माइनस के 2 कॉमन ले लोगे और x भी तो कॉमन आ रहा है तो अंदर यहां से तो आपके पास में टर्म क्या बचेगी जब c1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे c1, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस और 2 से कितनी बार कटेगा 3 times तो ये टर्म आ जाएगी, फिर कॉन्स्टेंट वाली देखो ये माइनस के 6 है और ये प्लस के 2c1 है, हमने क्या किया कंप्लीट टर्म में c1 से अंदर मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं हम क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ से अगर हम प्लस के 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से तो आपके पास में क्या आएगा c1 और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 3 आ जाएगी टर्म एंड प्लस c2(e^-x) एज इट इज चल रहा है। अब देखो इस कंप्लीट में से यहाँ से स्टार्ट करना और यहां तक अगर आप देखोगे क्या टर्म कॉमन है c1 - 3 c1 - 3 c1 - 3, तो अगर हम इसको कॉमन ले लें c1 - 3 को तो आपके पास में क्या बचेगा यहाँ से x², यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2x, यहाँ से आ जाएगा प्लस 2 एंड प्लस c2(e^-x) आ जाएगी टर्म। सो यहाँ से आगे देखिएगा ऊपर कि अगर हम क्या करें
और ये जो टर्म है हमारी C2, इसको अगर हम डिवाइड कर ले देन आपकी जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू एंड प्लस बी इंटू ए टू द पावर माइनस एक्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगी, जहां पर ए और बी क्या मान लिए हमने कॉन्स्टेंट टर्म सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दी हमें कैसे पता चलेगा ये मानना है, देखो C1 और C2 क्या है कॉन्स्टेंट टर्म्स है हमारे पास में, तो इनको हमने ये C1 माइनस 3 के फॉर्म में था तो इसको हमने कंप्लीट एक कॉन्स्टेंट A मान लिया, जब इसको A माना तो इसको हमने B मान लिया। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे भी छोड़ोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट करिएगा इसको एक बार। तो देखिएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर टू है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कराया है सेम उसी टाइप से होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। ठीक है, नोट करो इसको एक बार। देखिएगा इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, इसको भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें से क्या लिख सकते हैं, वाई कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास में टर्म क्या बनेगी थ्री एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस यहां से टर्म आ जाएगी ये 2d माइनस के 6x स्क्वायर डी एंड यहां से टर्म आ जाएगी माइनस के 4y, आप बाहर कॉमन लोगे इज इक्वल्स टू में 0 है। अब यहां से देखो क्या कॉमन ले सकते हो आप, इसमें से कोई टर्म कॉमन आ रही है, इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम, 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है और d, तो 3x स्क्वायर d अगर आप कॉमन ले रहे हैं यहां से कितना बचेगा d एंड इसके पास कितना आ जाएगा माइनस के 2, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप प्लस के टू, तो यहां से बचेगा डी माइनस टू टू जा फोर इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो, दोनों टर्म सेम है तो फैक्टर्स आ गए आपके पास डी माइनस टू एंड थ्री एक्स स्क्वायर डी प्लस टू और इंटू में कितना आ जाएगा वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो आपके पास में सिचुएशन आती है कि इस टर्म के साथ में y को हम v के इक्वल ऐड करें या इस टर्म के साथ y को हम किसके इक्वल ऐड करें v के, तो ध्यान रखना अगर इज इक्वल्स टू में, अगर इज इक्वल्स टू में कंडीशन आपको e टू दी पावर x की फॉर्म में मिलती है तो उस कंडीशन में तो आप क्या करोगे कि ये वाली जो टर्म है इसको इंटू y को किसके इक्वल ऐड करोगे e टू दी पावर उसके इस वाली टर्म को इंटू वाई को v के इक्वल ऐड करोगे, बट अगर इज इक्वल्स टू में टू द पावर x की फॉर्म नहीं बनती तो उस केस में इन दोनों को v के इक्वल पुट कर दोगे। ठीक है, सो लेट करोगे क्या कि ये जो टर्म है थ्री एक्स स्क्वायर डी प्लस टू, अच्छा देखो e टू द पावर x तो नहीं है ना हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे जो ये वाली टर्म है d माइनस टू इंटू वाई इसको किसके इक्वल ऐड कर दोगे आप v के इक्वल पुट कर दोगे, तो v के इक्वल पुट करोगे यहां से देखिएगा टर्म क्या बनेगी थ्री एक्स स्क्वायर डी प्लस टू इंटू वी और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, v के अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे टर्म बनेगी थ्री एक्स स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टू इंटू वी इज इक्वल्स टू जीरो, थ्री एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में आ रहा है तो कंप्लीट इक्वेशन में क्या कर दोगे आप इस टर्म से डिवाइड कर दोगे तो टू अपॉन थ्री वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी और इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। यहां से आगे देखो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है फर्स्ट ऑर्डर की, तो क्या करोगे आप सबसे पहले आई एफ निकालोगे, आई एफ के लिए क्या करते हैं इंटू दी पावर इंटीग्रेशन पी, पी की वैल्यू यहां से देखो कितनी है टू अपॉन थ्री वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो e टू दी पावर टू अपॉन थ्री वन अपॉन एक्स स्क्वायर में इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा माइनस के वन अपॉन, यहां से आपके पास में टर्म क्या आएगी टू एक्स स्क्वायर, देखो जब पावर आपकी टू है अच्छा वन अपॉन एक्स स्क्वायर में करोगे माइनस के वन अपॉन एक्स आ जाएगा, क्यों एक्स की पावर नीचे प्लस टू है ऊपर जाएगी माइनस टू हो जाएगी, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं पावर में वन एड होता है नीचे भी कोई टर्म आती है तो कितना आ जाएगा एक्स की पावर माइनस वन और माइनस, इसको जब आप लिखोगे तो इसको लिखते हैं हम किस फॉर्म में माइनस के वन अपॉन एक्स की फॉर्म में। ठीक है जी, तो यहां से आपके पास में वैल्यू आ गई माइनस के टू अपॉन थ्री एक्स किसकी आई एफ की, सो जो सॉल्यूशन होता है वो किस फॉर्म में होगा वी की फॉर्म में होगा, तो वी इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी आई है माइनस के टू अपॉन थ्री एक्स इज इक्वल्स टू में क्या होता है इंटीग्रेशन जो आपके पास में आई एफ की वैल्यू आई है वो इंटू क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे देखो जीरो है तो इसका मतलब ये टर्म तो जीरो हो गई, इसका इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन करोगे प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी वन, तो ये टर्म आपकी जीरो हो गई। तो v की वैल्यू क्या आएगी, v इंटू में कितना है e टू द पावर माइनस के 2/3x, यहाँ पे कितना बचा c1 बचा, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके किसमें हो जाएगी चेंज, डिवाइड में चेंज हो जाएगी। v की वैल्यू पुट कर दो, v को किसके इक्वल माना था d माइनस 2 इंटू y के, तो इसको ओपन करोगे कितना आ जाएगा ये dy अपॉन dx एंड माइनस के 2y इज इक्वल टू में कितना चल रहा है c1, अगर e टू की पावर को ऊपर लेके जाओ तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी c1 e टू दी पावर 2 अपॉन 3x, ये टर्म आ जाएगी आपके पास में। अब यहां से फिर से क्या बन रही है आपके पास में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर बन रही है, नहीं बन रही, तो इसकी हेल्प से फिर से क्या निकालोगे आप, आई एफ निकाल दोगे, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर, अब देखना वाई का कोफिशियंट कितना है माइनस टू है, तो इंटीग्रेशन कर दो माइनस टू का कोफिशियंट होगा वन और इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस के टू एक्स आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आई है आई एफ की, किसके लिए कर रहे हैं वाई के लिए, तो इक्वेशन क्या आएगी वाई इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, क्यू क्या होता है जो इज इक्वल टू वाली टर्म होती है, तो इज इक्वल टू में कितना है सी वन ई टू दी पावर टू अपॉन थ्री एक्स और इंटू में कितना आ जाएगा डी एक्स प्लस सी टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, सोल्व कर लो वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, क्या इस इंटीग्रेशन को आप सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो एक काम कीजिए यहां से जो ई टू दी पावर माइनस टू एक्स है इसको इधर की साइड लेके जाइए तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि e to the power 2x की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो यहां से अगर आप देखोगे क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा और डिवाइड में अगर पावर प्लस की तो ऊपर जाके सॉरी डिवाइड में अगर पावर माइनस की तो ऊपर जाके किसमें चेंज हो जाएगी प्लस में, यहां से टर्म आ जाएगी e to the power माइनस 2x c1 e to the power 2 upon 3x into dx प्लस c2 के साथ में इसकी मल्टीप्लाई होगी तो c2 e to the power 2x, ठीक है, और यही क्या आ जाएगा इसमें आपका आंसर आ जाएगा, एक बार चेक कर लेती हूं मैं, जी बिल्कुल यही क्या आ जाएगा इसमें आपका आंसर आ जाएगा, चाहे तो यहां से c1 कांस्टेंट है इसको आप बाहर ले लो तो c1 e to the power 2x इंटीग्रेशन बेस सेम है तो इसमें पावर्स क्या होंगी एड हो जाएंगी और इंटू डी एक्स एंड प्लस सी टू इंटू दी पावर टू एक्स, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी है वैसे तो क्वेश्चन इस मेथड से करने, टफ नहीं है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो इंटीग्रेशन है वो आना चाहिए, अगर आपके इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप इजिली क्वेश्चन को कर सकते हो, नोट करो इसको। देखिएगा इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर लिखा हुआ है, सेम इसी तरीके से करेंगे जिस टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर थ्री अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर फोर दोनों घर से करके देखना, इजी है, हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर कोई भी परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बट उससे पहले दो तीन बार करके देखना क्योंकि आप लोगों की कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, ठीक है, सभी लेक्चर्स आप देखते नहीं हो, फिर मैं उसमें फॉर्मूले वगैरह बता देती हूँ और आपको पता नहीं चलता और आपको लगता है कि मैंने आंसर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। बाकी आज आपका ये जो यूनिट है फर्स्ट ये कंप्लीट होती है, अब आपकी इस वाली बुक में तीन यूनिट्स बची हैं, कल से आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इस चैप्टर में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।